गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का पेज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुज। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं। दरअसल सीमा हैदर को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, जो कि इस वक्त देश में चर्चा का विषय बनी हुई, जिसको लेकर एटीएस जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपकी क्या राय है, आप भी लिखिएगा। अनुज और मैं अपनी अपनी राय जरूर यहां पर रखेंगे कि इस पूरे मामले को नेगेटिव और पॉजिटिव वे में किस तरीके से देखा जा सकता है, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अनुज शुरुआत करते हैं, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, दो बातें निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग हैं जो सीमा के पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग हैं जो उस पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं शिल्पा सीमा को लेकर, जो कि यहाँ पर सवाल खड़े करते हैं। आप जैसे कि हमारे सहयोगी जेपी ने वहां पर इंटरव्यू लिया, तो मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो कह रही थी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और जेपी ये बार बार बता रहे थे कि हर सेंटेंस में, हर बातचीत में वो इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल कर रही थी। और जो पढ़ा लिखा नहीं है और इतनी इंग्लिश बोल रहा है, तो ये सवाल खड़े करता है। उसके चाचा और भाई पाकिस्तानी सेना में है, और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि उसका भाई सेना में है और ये बात उसने छुपाई है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। तो इस तरह के एक नहीं, ना जाने कितने सवाल हैं शिल्पा, जो कि यहाँ पर सवाल खड़े करते हैं। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए अनुज, आपको वो नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि प्यार जब आ जाता है सामने तो एक इमोशनल फैक्टर जो है वो हर किसी का जुड़ता हुआ नजर आता है, भले ही उसके पीछे कई और एंगल्स। और सीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो रही है। सीमा पाकिस्तान से यहां पर आ गई है, क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि अगर सीमा जासूस ही होती तो चार बच्चों को लेकर वो यहां पर आकर कैसे आ जाती है? अपने पति को छोड़कर चार बच्चों को लेकर सीमा यहां पर आती है। और सीमा ये भी कह रही है कि मुझे यहां की जेल में रहना भले ही मंजूर है, आप मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन पाकिस्तान में वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि सीमा की अभी तक ऐसी कोई गतिविधियां देखने को नहीं मिली, हालांकि एटीएस अब जांच पड़ताल कर रही है। देखिए सवाल तो यही है ना कि आपने कहा कि चार बच्चों को लेकर आ जाती है, आप इतनी सारी सरहदें पार करके, बॉर्डर पार करके, आप पढ़ी लिखी है नहीं, चार बच्चों को लेकर कैसे आ गई? शिल्पा आप जाओगे बॉर्डर पे तो आप बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ, मैं बॉर्डर का क्रॉस करके दिखाऊं, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुंच गई, किसने उसकी मदद की, सवाल तो यही है ना। बिल्कुल, देखिए ये बात है, लेकिन दो साल से, क्योंकि इस चीज को लेकर स्टडी वो कर रही थी, उसने कहा दो साल से मैं लगातार स्टडी के, 2020 से पूरा मसला चल रहा है, लेकिन 2020 में प्यार में पड़े, उसके बाद उसने 23 तक ये एक टाइम पीरियड दिया है, तो आप ये मानकर चलिए कि कुछ उसने चीजें पढ़ी होंगी, कुछ उसने चीजें समझी होंगी, क्योंकि ये जिक्र आपने सुना होगा यूट्यूब के जरिए, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, और यूट्यूब एक बहुत ऐसा इजी माध्यम है जिससे आप अनपढ़ भी हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे तो शिल्पा कोई भी यूट्यूब देखेगा, पढ़ेगा, दो साल रेकी करेगा और किसी भी देश की सरहद पार कर जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये चीज यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि सीमा हैदर जो है लाइन क्रॉस कैसे कर गई, लेकिन इस चीज का जिक्र कर रही है कि पासपोर्ट मैंने बनाया, बाकायदा पासपोर्ट नेपाल का उसके पास था, वो मिलने भी गई, फिर वो पाकिस्तान वापस लौटती है, फिर वापस लौटती है। हालांकि जो चीज उठ रही है कि सीमा को लेकर ये कहा जा रहा है कि जासूस वो हो सकती है, अब गतिविधियां कुछ ऐसी पाई जाती है तो जरूर एटीएस उसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है, और उसको लेकर तस्वीरें भी सामने आएंगी। 6 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन 6 घंटे की पूछताछ में अभी तक कुछ सामने रखा नहीं गया है एटीएस की तरफ से। तो नहीं, वो तो देखिए जब जांच पूरी हो जाएगी, और बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जिसको अभी सामने लाया जाना भी ठीक नहीं है। लेकिन शिल्पा देखिए, वहां पर जब जेपी गए थे तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में इतने कट के निशान कैसे हैं, तो सीमा ने बताया कि मैंने इनके प्यार में अपने हाथ काट लिए हैं। तो ये बात गले के नीचे नहीं उतरती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो पाकिस्तानी सिम था वो उसने क्यों तोड़ दिया, जो चैट थी वो डिलीट क्यों हो गई, चार मोबाइल आपके पास कहां से आ गए। तो ये सारी बातें हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि क्या इसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई और तो नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन शिल्पा देखिए देश की सुरक्षा सबसे पहले है। ये बिल्कुल बात आप ठीक करें, देश की सुरक्षा सबसे पहले, और शायद इसीलिए सीमा भी कह रही है कि आप जो जांच पड़ताल करना चाहते करिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, आप 6 घंटे पूछिए, 8 घंटे पूछिए, 10 घंटे पूछिए, मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है। वो मीडिया से बात नहीं कर रही है इस वक्त, लेकिन वो साफ कह रही है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई आएगा, पुलिस पूछताछ के लिए कोई आएगा, एटीएस मुझसे जांच पड़ताल करेगी, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, आप मुझे कितने भी घंटे वहां पर रख लीजिए, इस चीज से वो नहीं मुकर रही है। तो कम से कम इससे ये तो साबित हो रहा है कि वो कुछ चीजों को लेकर बहुत स्टैंड उसका क्लियर है कि हाँ, अगर इस व्यक्ति से वो प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है, तो तमाम जो प्रक्रिया है उससे वो होकर गुजरेगी। अब जासूसी वाला फैक्टर जो है इससे डिनायल मोड में नहीं आया जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सीमा के प्यार को भी डिनाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीमा पूरी सीमाएं पार कर, देखिए प्यार कुछ होता ही ऐसा जब सरहदें पार हो जाए, और गदर मूवी का सीन भी इसको देख के ध्यान आता है, आजकल गदर मूवी भी दूसरी लॉन्च होने वाली है तो लोग उससे भी कनेक्ट करके देख रहे हैं। देखिए गदर मूवी, और शिल्पा देखिए मैं किसी प्यार और मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ,
और पूरी रिस्पेक्ट है, पूरा सम्मान है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देश की सुरक्षा सबसे पहले। अब देखिए सीमा ने क्या किया, बहुत सधे हुए शब्दों में, बहुत सधी हुई बातें वो कर रही है, और जो भी बात कर रही है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बात रख रही है। तो आप देखिए पाकिस्तान और इंडिया, इनके रिश्ते कैसे हैं, किसी से छिपे नहीं है। हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, वहां की जो सरकारें हैं, वहां के जो नेता हैं, वो हिंदुस्तान के लिए किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या उनके न्यूज चैनल्स की आप बात कर लीजिए या उनके डिबेट्स देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। आप पाकिस्तान से इंडिया आए हो और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बात रख रहे हो, आपके भाई और चाचा पाकिस्तानी सेना में है, तो आपके ऊपर उंगली क्यों ना उठाई जाए। बिल्कुल, ये जो बात अनुज आप कह रहे हैं कि उसके फादर और ब्रदर जो है वो पाकिस्तानी सेना में है, संभवतः हो सकता है कि घर का माहौल इसीलिए कुछ ऐसा हो कि वो पांचवी पास होके भी इतनी बेहतर तरीके से चीजों को रख पा रही, इतनी बेहतर तरीके से चीजों को बोल पा रही। हालांकि एक फैक्टर हो सकता है किस वजह से सीमा ने नहीं बताई है बात, या फिर ये निकलकर सामने नहीं आई, ये एटीएस की जांच का विषय, लेकिन कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। शायद सीमा अपने पहले पति से बहुत परेशान थी, इसीलिए सीमा ने फैसला लिया। लिख रहे हैं यहाँ पर पंडित प्रमोद कबेले, लिख रहे हैं भारत में लड़कियों की कमी है, वो सीमा हैदर को जेल में डाल देना चाहिए। ये भी लिख रहे हैं अमित कुमार जी। और अनुज भाई, मेरे बड़े भाई की झलक सबसे अलग, आपके फैन भी यहाँ पर अनुज। सर्वप्रथम देश की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तानी है, ठीक है। ये यही बात अनुज भी कह रहे हैं वैसे, और ये भी यही बात हम भी कह रहे हैं। देखिए कि प्यार तो है, हम उसके आस्पेक्ट रख रहे हैं हर एंगल से, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा सबसे पहले, इसीलिए एटीएस जब जांच कर रही है तो ये जांच जो है वो पुख्ता तौर पर होनी चाहिए, इसका बिल्कुल जिक्र हम लगातार कर बिल्कुल रहे हैं। और आगे भी हम इस पर बातचीत करते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे। अभी कुछ देर बाद आकांक्षा और कुंदन हमारे दो सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी आप लोग जुड़िएगा ज्यादा से ज्यादा तादाद में, और अपने सवाल जरूर रखिएगा। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। सीमा हैदर जो कि देखिए, जाते जाते जरूर ये बता दें कि जो डांस के वीडियोज आ रहे हैं, सीमा ने कहा है कि वो वहां पे परेशान की जाती थी, प्रताड़ित थी, लेकिन अब वो डांस के वीडियोज और ये सब तो सवाल उठाएंगे। क्योंकि अभी ये जिक्र हुआ है तो हाल फिलहाल दर्शकों को ये भी जानकारी दे, एक और ऐसी इस तरह की घटना मुरादाबाद में अभी सामने निकल के आई है, जहां पर जूली जो है वो बांग्लादेश शख्स को ले गई है अपने साथ, और वहां पर अब जब अपने पहले वो यहां पर आती है, उससे शादी करती है, धर्म चेंज करती है, 3 महीने बाद वो वापस चली जाती है, उस शख्स को भी ले जाती है। अब उसकी माँ ये गुहार भी लगा रही है कि मेरे बेटे को वापस भेज दीजिए, क्योंकि कुछ फोटोज उसके बेटे की वहां से वायरल हुई। हालांकि जब अभी बातचीत हुई, या कांशा ही तब बुलेटिन कर रही थी, जब भी बातचीत हुई तो उसने कहा कि मेरी माँ से लड़ाई हुई थी, मैंने खुद ही फोटो, लेकिन ये भी एक तरीके का केस जो है वो सामने निकल के आ रहा है, तो ये केस भी थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है, हालांकि एटीएस जांच कर रही है। बिल्कुल, बाकी आपके साथ हम लोग जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, और खासकर सूर्य त्रिपाठी जो जिन्होंने मेरे लिए कमेंट लिखा, बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप जीत तो प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार बने रहिएगा।